जी सर, हुकम करें। जी बैठिए। शुक्रिया सर। मैंने नवाब अहमद अली खान साहब की फाइल बहुत अच्छे से देख ली है। जी सर। काफी घपले हैं इसमें। आप एक काम करें, आप सब लोगों को यहां पर बुलाएं मेरे सामने। ओके सर, कल ही आ जाएंगे सर। और हां, उस शकील ठेकेदार को भी। असली फसाद की जड़ तो वही शख्स है। जी सर, उसने काफी सारे लोगों को अपने साथ मिला के इस जमीन के कागजात में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। वो चलाक आदमी है वो। जानता हूं। आप जानते हैं? पहले आप मिले हैं कभी शकील से? हुई है मेरी मुलाकात, लेकिन एक बार फिर मिलना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं नोटिस भेज देता हूं, आ जाएगा। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। मिसालिया, आपने देख ही लिया है कि नवाब साहब को कोई शिकवा नहीं है मुझसे। अब अगर होता वो तब भी शिकवा ना करते। मैंने जिंदगी भर अब्बा जी को ना पछताते देखे ना कभी शिकवा करते। बड़े इंसान है, ऐसे ही होंगे। और क्या क्या होना चाहिए उन्हें? अब मैं क्या बताऊं, मेरे फादर इन लॉ। एतराज ना हो। देखें रजा साहब, अगर इस बार भी वो मेरे वालदेन के लिए मुश्किल का सबब बनेंगी तो मुझे एतराज है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ। और मुझ पर भरोसा रजा साहब? मैं आप पे भरोसा 100 बार कर सकती हूँ, मगर अपने वालदेन की शान में गुस्ताखी 1 बार भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विकी, 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 तुम बहुत खूबसूरत हो। कौन है तुम और विकी कहाँ है? विकी वो नहीं आएगा, वो तुम्हें 2 लाख में बेच के चला गया। बेच के? क्या बकवास कर रहे हो? मैं और विकी कल कोर्ट मैरिज करने वाले हो, हैं? ये बात तो मैं 50 लड़कियों से सुन चुका हूँ, ठीक है? तो अब ये तमाशे खत्म करो और जल्दी मेरे साथ चलो, ठीक है? गाग वेट कर रहा है, और गाग को ज्यादा वेट नहीं करवाते। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम्हें जाना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। इसने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ बदमाशी करती है। उठो, जल्दी उठो, उठो। ये मर तो नहीं गई? अबे ये तो मर गई यार, 2 लाख का नुकसान हो गया है मेरा। विकी, विकी, विकी। साया साया हो मेरे, साया साया।